यह धान का खेत है। बारिश न होने के कारण काफी नुकसान नजर आ रहा है। इल्ली लगी है, 15 दिन से पानी नहीं गिर रहा है, तो इसमें कोस भी गिर रही है कि नीचे नहीं, पानी नहीं गिर रहा तो कुछ नहीं हो रहा। खेतों में फूले काश और किसानों को है बारिश की आस। झड़ने लगी सोयाबीन की फलियां। गर्मी की उमस के कारण बढ़ रहा है इल्ली एवं झिरझिरा का प्रकोप। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बिरसा जिले के पठारी क्षेत्र में पिछले 15 से 20 दिनों से बारिश नहीं हुई है, जिस कारण खेत में खड़ी सोयाबीन और धान की फसलें सूखने लगी हैं। बारिश न होने से गर्मी और उमस बढ़ गई है, जिस कारण सोयाबीन के पौधों से फलियां झड़ रही हैं एवं झिरझिरा रोग से भारी नुकसान नजर आ रहा है। वहीं उमस के कारण इल्लियों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। वहीं जिन किसानों के पास पंप और कुआं में पानी है, वो किसान खेतों में पानी चला रहे हैं, पर जिनके पास ये सब सुविधाएं नहीं है, वो केवल भगवान से प्रार्थना ही कर पा रहे हैं। क्षेत्रों में किसानों ने लगभग सैकड़ों हेक्टेयर भूमि पर सोयाबीन बोया है, वहीं 3000 हेक्टेयर भूमि पर धान की फसल है, और जल्द ही बारिश ना हुई तो खेत में खड़ी फसल मुरझा कर सूख जाएगी। खेतों की जमीन सूख चुकी है और दरारें भी दिखाई देने लगी हैं। क्षेत्र में इस बार औसत बारिश का आंकड़ा काफी पीछे बना हुआ है। अब तो प्रकृति भी बारिश की विदाई के संकेत देने लगी है और खेतों में कांस के फूल आने लगे हैं। पुरानी ग्रामीण परंपरा के अनुसार जब खेतों में कांस के फूल आने लगते हैं तो बारिश की विदाई समझी जाती है, इसीलिए किसान भी चिंतित हैं। अगर सितंबर माह में भी अच्छी बारिश ना हुई तो डैम और तालाब खाली रह जाएंगे, जिससे रबी फसल में किसानों के सिंचाई के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। वहीं किसान राजू मियां एवं अनिल जैन ने बताया है कि खेत को कहीं पानी नहीं मिलता है और फसल को भारी नुकसान होने की आशंका है। अधिक इल्लियां लगने के कारण दवाइयां भी काम नहीं कर पा रही हैं। यह धान का खेत है, बारिश न होने के कारण काफी नुकसान नजर आ रहा है। देखिएगा, किसान चिंतित है, धूप खिली है, बहुत ही काफी नुकसान है। राजू भैया, खेती की क्या स्थिति है? घेरा लगा है, इल्ली लगी है, 15 दिन से पानी नहीं गिर रहा है, तो इसमें कोस भी गिर रही है कि नीचे। तो नुकसान का आकलन कैसे है? नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। तो क्या सोयाबीन की आएगा? नहीं नहीं, पानी नहीं गिर रहा तो कुछ नहीं हो रहा। कहीं पानी गिरता है तो क्या स्थिति बनेगी? पानी गिरेगा तो आधे में आधा आ पाएगा, ये स्थिति है। भैया, सोयाबीन की फसल कैसी है? सोयाबीन की फसल साफ पानी के कारण खराब हो रही है, इसमें झिरझिरा को रोग लग गई, इसके कारण फसल में कुछ नहीं बचा। और मैंने सुना इल्ली भी लग रही है। इल्ली बहुत जोर से, इसका इल्ली का प्रकोप है। कहीं पानी गिरता है तो इससे क्या फायदा है? फिर भी बहुत क्षति हो जाएगी। अपने क्षेत्रों की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।